बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हम बनाएंगे बनाने से बर्फ़ी। चलिए आप शुरू करते हैं। पहले आप जो आपके घर में केले काफ़ी अरसे से नरम हो जाते हैं, दो दिन नरम हो जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। तो आपने क्या करना है, पहले केले को छिल लेना है। ये आप देख रहे हैं केले की सिचुएशन, देख रहे हैं आप, ये केले बिल्कुल नरम हो गए। अब इसको फेंकना नहीं है, इससे हम बनाएंगे अच्छी से बर्फ़ी। अब देखेंगे, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम कर देंगे ग्लेंडर। देखिए माशाल्लाह से ये पेस्ट तैयार हो चुका है हमारा। इससे हम बनाना शुरू करते हैं बर्फ़ी। बर्फ़ी ऐसे बनेगी, बेहतरीन बनेगी, मज़ा आएगा खाने में, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह और टॉफ़ी की तरह मुँह में घुल जाएगी और बार बार खाते रहेंगे इसको आप। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने घी डाल दिया है इसके अंदर। देखिए हलवा बनाने के लिए घी यूज़ होता है और घी में जायका अच्छा आता है। देखिए इसमें बादाम डाल लें, बादाम को हमें रोस्ट करना है, ठीक है। बादाम नहीं तो आप कोई भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, आप जो भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए इसको हमें पकाना नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए इसको हम रोस्ट करना है। इसको हम निकाल लेंगे अभी। देखिए हम इसको निकाल लें अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए जो पेस्ट हमने बनाया था ना केले से, तो हम इसमें अब डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपको पूरा इसके अंदर भुनना है इसको। इसको देखिए हमें घी के अंदर पूरा भुनना है इसको, और मीडियम को फ्लेम को मीडियम रखना है, ना हाई रखना है, लो रखना है, मीडियम रखना है इसको, जब तक इसका कच्चापन खत्म हो जाए, थोड़ा ये ग्लोसी हो जाए, तो ये इसको हम जब तक भुनना है हमको इसको। देखिए इसको अच्छी से भुनाई करनी है, जैसे आपको लगे ना ये रुखा हो रहा है, और थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। जब तक हमें ये पकाना है, जब तक इसको घी को रिलीज़ ना कर दे, ये बनाना के घी को रिलीज़ ना कर दे, जब तक उसको हमें भूनना है। देखिए व्यूअर्स, देखिए इसने घी रिलीज़ कर दिया अपना, देखें बनाने ने अपना घी रिलीज़ कर दिया है। अभी इसमें हम इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर हम ऐड करेंगे 1 कप। शुगर इसको भी हमें पूरा इसमें हल करना है। देखें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची, जायके के लिए, खुशबू के लिए, ठीक है। वैसे तो बनाने से पूरा हमारा किचन महक रहा है, किसी खुशबू जैसी आ रही है ना, अभी तो बना भी नहीं है, खुशबू ऐसी आ रही है, बस खाने को दिल चाह रहा है, ठीक है। तो बनाना ज़रूर है, ज़रूर फीडबैक देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें, और आइंदा आने दिनों वाले दिनों में हम नई से नई रेसिपी लाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। देखिए जब तक हमारा हलवा तैयार हो रहा है वहाँ पर, देखिए हम इसकी जो जाम है जमाना है इसको, फिर सही सेट करना है इसको हमने। तो हमने ट्रे ले ली है, आपके पास जो बर्तन है आप ले सकते हैं, ट्रे है, कुछ भी ले सकते हैं। तो उसको हम ग्रीसिंग कर लेते हैं, ये देखें तो ग्रीसिंग कर लेते हैं आराम से इसको, प्रॉपर इसको हम ग्रीसिंग कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आराम से निकल आइए। अब हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर फूड कलर, देखें तो लाइक, अगर नहीं डालना नहीं डाल ना डालें, वैसे लुक बनाने के लिए, दिखाने के लिए, लुक बनाने के लिए तो थोड़ा अच्छा लगता है। माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। हम इसमें ऐड कर लेते हैं बादाम जो हमने रोस्ट किए थे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए देखिए घी ने इसको रिलीज करना शुरू कर दिया है, मतलब ये रेडी होने वाला है। बस मुकम्मल ये 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से देखिए ये हमारी बनाना बर्फी तैयार हो चुकी है। देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट, देखिए जैसे कराची कलवा होता है जैसे मुल्तानी हलवा कहते हैं हम लोग, बिल्कुल वही टेस्ट है, वही जायका है, ज़बरदस्त खाने में मज़ा आता है खाने में। देखिए हमने ये बनाई 6 किलो से, 6 बनाना थे जो नरम हो चुके थे घर में बड़े बड़े, उसको हमने से बेहतरीन किस्म की बर्फी बना ली है। अब ज़रूर ट्राई करना है आपने, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।